ए राजू। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ डेडपुल का बहुत ही बड़ा फैन। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी। दोस्तों सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी में डेटा ऑपरेटर के रूप में आप काम कर रहे हो और आपकी कंपनी का जो बॉस है वो आपसे एक ऐसी फाइल बनवाना चाहता है जिसमें कंपनी में काम कर रहे सभी वर्करों को कंपनी में काम करते करते कितने दिन, कितने महीने, कितने साल और किस वर्कर ने कंपनी को किस दिन ज्वाइन किया था। तो दोस्तों तब आप क्या करोगे? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे। दोस्तों हमारा टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ टाइप करके यहाँ रखा हुआ है। दोस्तों दोस्तों आज का हमारा जो टास्क है वो कंपनी में काम कर रहे मजदूरों को कंपनी में काम करते करते कितने साल, कितने महीने, कितने दिन और किस मजदूर ने कंपनी को किस दिन ज्वाइन किया। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी का नाम है और ये हमारी हेडिंग्स वगैरह हैं। दोस्तों यहाँ मैंने नाम सबके टाइप कर ली है, साथ ही साथ मैंने उसकी ज्वाइनिंग डेट भी टाइप कर ली है सभी की। दोस्तों अब हम निकालेंगे टुडे डेट को। तो दोस्तों यहाँ पे हम डेट लिखेंगे नहीं, हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, फिर आपको टाइप करना है टुडे और फिर आपको उस पर डबल क्लिक करना है, फिर आपको एंटर प्रेस करना है दोस्तों और फिर आपको उसको ड्रैग करना है। दोस्तों आप देखेंगे ये वाली जो डेट है वो इससे मैच हो रही है, यानी कि आज की डेट शो कर रहा है। तो दोस्तों हमारी जो डेट है ना वो हर दिन बदलती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये था फॉर्मूले का यूज़। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईयर के बारे में, यानी कि जो सुनील बंदा है इसने इस दिन कंपनी को ज्वाइन किया इस तारीख के दिन और आज की जो तारीख है वो ये है। तो इस बंदे ने ज्वाइनिंग डेट से लेके अभी तक जो काम किया है उसको काम करते करते कितने साल हो गए वो यहाँ निकालेंगे हम। तो पहले एक बार प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे हम डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों, फिर हम ज्वाइनिंग डेट को देंगे यहाँ पे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आज की डेट को देंगे दोस्तों, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ब्रेक, अब इसमें लिखेंगे हम वाई, फिर इसको एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे 21 साल निकल चुका है, मतलब इसको 21 साल हो चुके हैं काम करते करते हैं कंपनी में। अब निकालेंगे हम मंथ को, वही करेंगे बिल्कुल सेम इक्वल टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों, इस वाली वैल्यू को देंगे, कॉमा लगाएंगे, टुडे की डेट को देंगे दोस्तों, कॉमा लगाएंगे दोस्तों, अब लिखेंगे हम सॉरी आप लिखेंगे यहाँ पे हम वाई और एम, क्योंकि मंथ निकाल रहा है इसलिए वाई एम हमको टाइप करना है यहाँ पे, फिर आपको एंटर करना है। तो 11 मंथ हो चुके हैं। अब निकालेंगे डे यानी कि दिन, तो वही करना है आपको, आपको इसको कॉपी कर लेना है फॉर्मूले को दोस्तों ताकि हमारा टाइम बचे। कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करने के बाद में हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या, आपको सिर्फ वाई एम को हटा के आपको सिर्फ कर देना क्या है यहाँ पे एम डी, कि हम दिन निकाल रहे हैं तो फिर एम डी कर देंगे तो उससे हमारे डे निकल जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि जो सुनील बंदा है उसको काम करते करते यानी कि इस तारीख से तो इस तारीख तक उसको 21 साल 11 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। दोस्तों अब हम गेम को एक साथ कंबाइन करके इस जो सेल है ना इसमें लिख देंगे हम गेम फिक्स है। तो आप सर जानते होंगे एक फॉर्मूला है कॉन्कैटिनेट, तो आपको उसको लगाना है दोस्तों, तो मैं कर रहा हूँ कॉन्कैटिनेट। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसके बाद एक वीडियो अच्छी बनाऊंगा अलग से बिल्कुल। तो अब आपको करना क्या है, आपको अब ईयर की जो वैल्यू है यानी कि 21 साल उसको देना है आपको, फिर कॉमा प्रेस करना है आपको, फिर आपको लिखना है ईयर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है ईयर, फिर आपको कॉमा टाइप करना है, फिर आपको मंथ का देना है, फिर आपको लिखना है मंथ, मंथ लिखेंगे यहाँ मंथ लिखा हमने, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको जो है ये वाली वैल्यू देनी है, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है डे, तो हम लिखेंगे कॉमा और डे लिखेंगे हम, फिर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे 21 साल 11 महीने 3 दिन निकल चुका है सुनील के बारे में। दोस्तों अब हम निकालेंगे कि सुनील ने जिस दिन कंपनी में इंटर किया उस दिन क्या दिन था, मतलब कब से उसने ज्वाइन किया, तो वो जो है हम ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से निकालेंगे कि वो कब कंपनी में आया। दोस्तों उसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल टेक्स्ट फॉर्मूला। दोस्तों दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब आपको ज्वाइनिंग डेट की वैल्यू यहाँ पे देनी है दोस्तों, तो हम उसको दे देंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू को, फिर हम कॉमा लगाएंगे दोस्तों, तो कॉमा लगाएंगे दोस्तों कॉमा, इसके बाद में आपको लिखना है 3 बार 4 टाइम आपको लिखना है डी, तो आपको एंटर प्रेस करना है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे दिन निकल चुका है, यानी कि दोस्तों हमने सुनील के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली है, इसको 21 साल 11 महीने 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों सबकी निकालेंगे हम इसी प्रकार से, तो आपको करना क्या, आपको ड्रैग करना है फॉर्मूले को इस प्रकार से, मैं कर रहा हूँ जैसे कि ये डे को भी ड्रैग करेंगे हम इसी तरीके से, इसको भी ड्रैग करेंगे। तो देखिए सबकी जानकारी निकल चुकी है कि किसको कितने महीने, कितने साल, कितने दिन हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।
दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हिसाब से अपनी की जो एज है वो निकाल सकते हो आप। दोस्तों यहाँ नीचे मैंने एक टाइप किया हुआ, देखिए आप ये यहाँ पे है ना, इसमें आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों मैं अपनी टाइप कर देता हूँ, मेरी 12/8/1998 है, तो ये मैं टाइप कर देता हूँ 12/8/1998। अब फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे आज की डेट, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इक्वल टूडे, और फिर इसको एंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे ईयर, तो वही करना है बिल्कुल सेम जो हमने ऊपर किया था। इक्वल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डेटेड इफ, फिर हम जो है ये वाली वैल्यू देंगे डेट ऑफ बर्थ वाली, कोमा लगाएंगे दोस्तों, फिर टुडे की डेट को देंगे दोस्तों, फिर कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम क्या वाई, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए मेरी आ चुकी है एज 21 साल का हूँ मैं। अब निकालेंगे मंथ के बारे में, तो बिल्कुल सेम वही कॉपी कर लेंगे फॉर्मूले को, और हर जगह पेस्ट करते जाएंगे, बस चेंज करते जाएंगे थोड़ा सा उसमें। तो हमने यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम लिखेंगे अब वाई एम लिखेंगे हम, फिर एंटर करेंगे। तो देखिए मंथ आ चुका है 11 मंथ। अब निकालेंगे डे, तो वही करना है पेस्ट करना है फॉर्मूले को, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। और आपको यहाँ पे लिखना है MD, इसको हटा के MD लिखना है आपको। देखिए तो आप मेरा पूरा आ चुका है, यानी कि मैं 21 साल 11 महीने और 3 दिन का हूँ। दोस्तों इस प्रकार से देखा हमने, किस प्रकार से हमने निकाला इस फॉर्मूले का यूज करके, चुटकी में हमने सब कुछ निकाल लिया। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला अच्छा लगा हो तो यार एक बात कहना चाहूँगा आपसे मैं, कि चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे।